में पैसे किन किन लोगों के आए? वो तो आराम का लंगर सबको चाहिए बेफालतू का। थोड़ी बहुत पब्लिक उनसे नाराज है, बाकी जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा 2019 का चुनाव उनको कोई नहीं रोक सकता जीतने से। तो किसानों के अंदर बस ये है कि उनको सिर्फ फायदा चाहिए, जो हमारा कर्ज माफी है, जो हमारा 4 साल 5 साल वो माफ कर दो, वो भूल जाए, अपनी फैक्ट्री लगा ले, सोना वो लगा ले, अपनी पूरी प्रॉपर्टी गरीबों को दे दे, वो पीएम नहीं बनेगा। वो इटली और जापान का भी गठबंधन ले लेगा तब भी पीएम नहीं बन पाएगा। पाकिस्तान क्या, अफगानिस्तान, इराक, यूरोप, वो सबका समर्थन ले ले, पीएम नहीं बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिल्पी शर्मा और बोल इंडिया बोल की टीम आज आ गई है दिल्ली के आनंद विहार में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा के नतीजे सामने आ गए हैं, जहां कांग्रेस ने अपना डंका बजा दिया है, और आने वाले 2019 लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी का क्या होने वाला है जानते हैं कुछ लोगों की राय। जो चुनावी दंगल होता है भाई, तो उसमें एक लोगों की भी इच्छा होती है ना कि भाई इसमें हम इस बंदे को क्यों समर्थन देंगे, अपना क्या चाहते हैं, किसको समर्थन देंगे? हम तो बीजेपी को देंगे क्योंकि इसने नौकरियां भी निकाली हैं और काफ़ी हमारे देश की सुविधाएं, जो बॉर्डर में घुस आते थे कांग्रेस के समय में, काफ़ी अंदर तक घुस आते, कोई एक्शन नहीं लिया जाता था, अब ये आ गया बीजेपी के शासन में, तुरंत ही एक्शन है। 5 राज्य हैं, 70% आबादी उसके अंदर किसानों की है, ठीक है, और किसानों के अंदर बस ये है कि उनको सिर्फ फायदा चाहिए, जो हमारा कर्ज माफी है, जो हमारा 4 साल 5 साल वो माफ कर दो, चाहे आगे देश का। मतलब कांग्रेस ने एक चुनावी पैतरा फेंक दिया, तो जिसकी वजह से एक पॉइंट होता है ना कि किसानों को अभी रुझाने का पॉइंट होता है, उन्हें वो क्या हमें माफ कर देंगे, उसे माफ कर दिया। लेकिन ये बताइए, जो राहुल गांधी पैसा देगा कहाँ से देगा, ये हमारे आम आदमी की पार्टी से इधर से दिया उधर से खींच लिया। क्या कहना चाहेंगे? नहीं जी, मोदी जी को दोबारा लाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की तरक्की मोदी से ही होगी, बाकी कांग्रेस ने 50-60 साल राज किया, तो इनको भी चांस देना चाहिए ना। आपको लगता है उन्हें मौका मिलना चाहिए? अच्छा ये बताइए, जैसे 4-4.5 साल मोदी जी अभी रुके हैं, तो भाई बहुत सारी स्कीमें आई हैं, तो मतलब कुछ ऐसा लगता है कि भाई ये सबसे अच्छी चीज़ हुई है? देखिए ऐसा है, मोदी जी जब खड़े हुए थे सबसे पहले बोले थे कि राम मंदिर बनवाएंगे, इससे यह है कि थोड़ी बहुत पब्लिक उनसे नाराज है, बाकी जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा 2019 का चुनाव उनको कोई नहीं रोक सकता जीतने से। अगर उन्हें मौका मिलेगा तो भाई राम मंदिर भी बनेगा जी, क्या कहेंगे? कहना क्या, बीजेपी है, बीजेपी रहेगी हमेशा, बीजेपी रहेगी। हाँ, बीजेपी सबसे बढ़िया पार्टी है, बीजेपी के अलावा कोई देश का भला नहीं कर सकता। 70 सालों में कांग्रेस ने क्या कर दिया, कुछ नहीं करा, देश हमें पीछे ले गए, आगे नहीं ले गए, बीजेपी ही बढ़िया है। आपको लगता है बीजेपी आएगी तो बदलाव आएंगे? बीजेपी आएगी, आ गई है, बीजेपी तो रहेगी, 10 साल तक कोई भी नहीं हटा सकता पीएम को, कितने भी आलू की फैक्ट्री लगा लो, चाहे कितने ही वादे पूरे कर लो, कुछ भी कर लो, बीजेपी ही रहेगी। पर फिर भी जैसे चुनाव आते हैं उससे पहले बड़े वादे किए जाते हैं, तो क्या वो सारे वादे पूरे भी होते हैं? मोदी जी ने जो अब तक वादे करे थे तकरीबन 70% तो करे हैं पूरे। अब रोजगार मिला लोगों को? रोजगार मिला है, अब जो जिस लेवल का बंदा है उसको रोजगार मिल रहा है, तकरीबन हमें भी पिछले 4.5 सालों से तरक्की है। अकाउंट में पैसे किन किन लोगों के आए? वो तो आराम का लंगर सबको चाहिए बेफालतू का, अपनी मेहनत करो। कांग्रेस ने कौन सा दे दिया था किसी को? कांग्रेस ने तो उल्टा सबका लिया है, यहाँ मोबाइल फ्री कर दिया है हमारे लिए, तो तकरीबन सारे कितने गुण गिनाऊ, मोदी जी तो है ही बहुत बढ़िया। मोदी जी के अलावा समय में लगता है कि और भी कुछ अच्छा होगा, जब तक मोदी जी हैं तब तक तो अच्छा होगा। और मानते हैं 2019 मीटिंग कर ले जी, राहुल का पता नहीं किस देश में जाके कहाँ मीटिंग कर ले। बाकी मेरा कहना होता ये है कि अगर बीजेपी है तो देश के बारे में सोचता है, पब्लिक के बारे में सोचता है। अच्छा, अगर 2019 के चुनाव में जो कुर्सी है वो मोदी जी से छीन कर राहुल गांधी तक पहुंच गई तो कभी नहीं मिलेगी, सोचना भी बेकार है, आपने बोल दिया बहुत बड़ी बात है। और अगर मिल गई तो? अगर मिलेगी नहीं, वो भूल जाए, अपनी फैक्ट्री लगा ले, सोना वो लगा ले, अपनी पूरी प्रॉपर्टी गरीबों को दे दे, वो पीएम नहीं बनेगा। पीएम नहीं बनेगा, ये निर्धारित हो चुका है भैया, पक्का हो चुका है। अभी तो सबका गठबंधन है, वो इटली और जापान का भी गठबंधन ले लेगा तब भी पीएम नहीं बन पाएगा। कैसे भी गठबंधन हो जाए, कुछ कर ले, पाकिस्तान जाने का क्या मतलब है हमारे नेताओं को? पाकिस्तान क्या, अफगानिस्तान, इराक, यूरोप, सबका समर्थन ले ले, पीएम नहीं बनेगा। पीएम नहीं बनेगा, क्या कहेंगे? और आने वाले समय में मोदी जी अगर 2019 में दोबारा आ गए हैं तो हिंदुस्तान में आधे से ज्यादा बेरोजगारी खत्म हो गई, क्योंकि मोदी जी का काम सिर्फ दिल्ली में नहीं दिख रहा है, मिला है लोग। जी दिल्ली में काम नहीं दिख रहा है, जितना काम मोदी जी ने 3 या 4 साल के अंदर कर दिया उतना कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई। और
हम तो कहेंगे जी बीजेपी जिंदाबाद। और तो और भाई सारे समर्थक जितने भी हैं सब बीजेपी के हैं यहाँ पर, और बीजेपी कांग्रेस के समर्थक कहाँ गए पता नहीं, कहाँ गए ढूंढो जी, आपका काम है ढूंढना। हमारा जो है सभी भाइयों से निवेदन करेंगे कि 2019 में मोदी जी फिर आए। क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी आएगी सर, बीजेपी आएगी। क्यों लगता है बीजेपी आनी चाहिए? वो अच्छा काम करता है इसलिए बीजेपी आना चाहिए। मतलब लगता है कि मोदी जी रहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, क्या कहेंगे? बीजेपी आएंगे, बीजेपी आएगी। यहाँ सबने पहले से चुन लिया कि भाई बीजेपी ही आनी है, क्या कहेंगे? बीजेपी आनी चाहिए, फायदा है सारी चीज। क्या फायदा होगा बीजेपी आएगी? बीजेपी जो हमारा एक शक्तिशाली देश बनेगा, बीजेपी आएगी। यहाँ तक कि विदेश से सारी चीजें खरीदे, जेट वगैरह भी खरीदे, उससे बेनिफिट हो रहा है। सारी चीज विदेश जो आएंगे तो हमारा एक शक्तिशाली G20 भी बना है, उसमें सातवां पायदान आना अच्छा है, बेनिफिट है उससे। बीजेपी का टाइम में आतंकवाद बहुत फर्क पड़ा है, आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो गया है। हाँ, आतंकवाद जितने बोखलाए हुए हैं वहाँ तक बाहर वाले पार्टी वाले ये तो जोर लगा रहे हैं विदेशी आदमी, कब बीजेपी हटे कब हमारा राज चले।